नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएल अपडेट्स में। आज की अपडेट्स में हम जानेंगे स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में हुए कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के चंद्रयान 2 मिशन से। भारत के चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई सन 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के तीन मुख्य भाग थे। पहला था चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, जो कि चांद को ऑर्बिट करने और उसे मैप करने के लिए बनाया गया था। दूसरा भाग था विक्रम लैंडर, जो कि चांद की सतह पर उतरने वाला था और वहां की सतह की जानकारी भेजने वाला था। चंद्रयान 2 का तीसरा मुख्य भाग था प्रज्ञान रोवर, जिसे चांद की सतह पर कुछ दूरी तय करनी थी और पता लगाना था कि लैंडिंग साइट के आसपास कौन कौन से एलिमेंट्स भारी मात्रा में मौजूद हैं। 22 जुलाई को उड़ान भरने के बाद 20 अगस्त सन 2019 को चंद्रयान 2 चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। 6 सितंबर सन 2019 को विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर चांद के साउथ पोलर रीजन में लैंड करना था। अंत तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सतह पर उतरने के कुछ किलोमीटर ऊपर ही विक्रम लैंडर का संपर्क हमसे टूट गया। विक्रम लैंडर के उतरने की ट्रेजेक्टरी में भी बदलाव देखा गया था। चंद्रयान 2 का सफलतापूर्वक चांद पर उतरने का मिशन तो कामयाब न हो सका, लेकिन पहली बार में ही इतना कुछ करके भारत पूरी दुनिया के दिल पर छा गया। अगर भारत सही सलामत चांद पर उतर जाता तो सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन जाता। खैर, अभी रेस खत्म नहीं हुई है। इसरो के अलावा नासा भी भारत के चंद्रयान 2 मिशन पर बराबर नजरें बनाए हुए था। ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया था कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश लैंड हुआ है। ये सिर्फ एक हार्ड लैंडिंग थी। लग रहा था कि विक्रम लैंडर सही सलामत है, लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद भी विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित न किया जा सका। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फेलियर एनालिसिस कमेटी बनाई गई, जिसने ये पता लगाया कि ये फेलियर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ होगा, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं किया गया। नासा ने अपने ल्यूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर यानी कि LRO से विक्रम लैंडर को खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी। लेकिन इसके बाद चेन्नई के एक वॉलेंटियर इंजीनियर शनमुग सुब्रमण्यन ने LRO की ही इमेजेस को स्टडी करके विक्रम लैंडर को लोकेट कर लिया था, जिसके बाद नासा ने भी विक्रम लैंडर के होने की पुष्टि कर दी थी। LRO की इमेजेस को देखने के बाद लग रहा था कि विक्रम लैंडर कई टुकड़ों में बिखर चुका है, लेकिन एक बात सबको खटक रही थी कि आखिर उनमें से प्रज्ञान रोवर कौन सा था, आखिर उस रोवर के साथ क्या हुआ होगा। चंद्रयान 2 मिशन को लगभग एक साल हो चुका है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर सही सलामत अपने काम को अंजाम दे रहा है और इसी दौरान चंद्रयान 2 से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शनमुग सुब्रमण्यन ने ही एक बार फिर प्रज्ञान रोवर को खोज निकालने का दावा किया है। इस दावे के साथ उन्होंने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। शनमुग ने नासा के LRO की ही 4 जनवरी 2020 की लेटेस्ट इमेजेस को स्टडी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिक्चर में दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। शनमुग का कहना है कि व्हाइट डॉट लैंडर हो सकता है और ब्लैक डॉट प्रज्ञान रोवर है। ये बात वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिक्चर में रोवर के चलने का ट्रैक भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रज्ञान रोवर कुछ मीटर तक चला तो जरूर है। इसरो चेयरमैन के शिवन का कहना है कि उन्होंने नासा से फिलहाल इस मैटर पर कुछ भी नहीं सुना है और वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। शनमुग सुब्रमण्यन ने अपने ट्वीट में सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए लिखा कि हो सकता है कि जब विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी, तब कई दिनों तक इसरो की तरफ से लैंडर विक्रम को अनेकों कमांड्स भेजी गई थी। ये पॉसिबल है कि लैंडर ने कमांड्स को रिसीव किया हो और रोवर को रिलीज कर दिया हो और रोवर ने भी अपना काम कमांड्स के अकॉर्डिंग सही किया हो, लेकिन विक्रम लैंडर वापस पृथ्वी से संपर्क स्थापित करने के हालात में न रहा हो। ये पॉसिबल है और हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो। हो सकता है कि विक्रम लैंडर के जो डेब्रिज शनमुग ने पहले खोजे थे, वो कोई और पेलोड्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसमिटिंग एंटीनाज और थ्रस्टर्स वगैरह। लेकिन LRO की इमेजेस में दिखाई दे रहा प्रज्ञान रोवर का ट्रैक एक नई उम्मीद जगा देता है। फिलहाल इस मैटर पर इसरो या नासा का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यहाँ से हम एक जर्नल कंक्लूजन जरूर निकाल सकते हैं कि क्या वाकई में भारत का विक्रम लैंडर के जरिए चांद पर उतरने का मिशन
और प्रज्ञान रोवर के जरिए चांद पर चलकर दिखाने का मिशन फेल नहीं हुआ था। क्या चंद्रयान 2 मिशन वाकई में दोबारा शुरू हो सकता है? दोस्तों, इस पर हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है दिग्गज प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स को लेकर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी जमीन से स्पेस में लॉन्च करना चाहती है। आखिरी स्पेस शटल प्रोग्राम खत्म होने के बाद कोई भी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अमेरिका से स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च नहीं हुआ। इस काम के लिए नासा रूस का सहारा लेता आया है और रशियन रॉकेट से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन ले जाने के लिए नासा को भारी रकम खर्च करनी पड़ती थी। इसलिए नासा ने दो अमेरिकी कंपनियों बोइंग एरोस्पेस और स्पेसएक्स को ऐसी तकनीक विकसित करने का काम सौंपा जो कम खर्च में और सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन लेकर जा सके, और वो भी अमेरिकी जमीन से। बोइंग ने डेवलप किया था बोइंग स्टारलाइनर, जो कि टेस्ट में फेल साबित रहा। स्टारलाइनर स्पेस में जाकर स्पेस स्टेशन से डॉक ही नहीं हो पाया। अपनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स की वजह से स्टारलाइनर कैप्सूल अभी भी डेवलपमेंट मोड में है, लेकिन यहाँ पर स्पेस एक्स ने बाजी अपने नाम कर ली है। स्पेस एक्स ने 2 टेस्ट पायलट्स को सही सलामत धरती पर लाकर मैंड मिशन भी पास कर लिया है। दोनों टेस्ट पायलट्स डग हर्ली और बॉब बैकन फ्लोरिडा से लॉन्च हुए थे। तकरीबन 2 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताने के बाद स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम एंडेवर है, उसमें धरती पर वापस लाया गया। उनकी धरती पर वापसी और एटमॉस्फेरिक रीएंट्री काफी रोमांचक और सस्पेंस भरी रही थी। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर काफी तेजी से नीचे आया। एटमॉस्फेरिक रीएंट्री के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट को 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 560 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर लाया गया। स्पीड को और धीमा करने के लिए पैराशूट खोले गए और अंत में पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में टकराने तक इसकी स्पीड को घटाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर दिया गया था। स्प्लैशडाउन पूरी तरह से सफल रहा, एकदम प्लान के मुताबिक। रीएंट्री के दौरान ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का तापमान मैक्सिमम 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और इस समय के दौरान ड्रैगन स्पेस कैप्सूल को ठंडा रखने के लिए नाइट्रोजन बेस्ड कूलिंग सिस्टम को यूज किया गया है। रीएंट्री के दौरान दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की ग्रेविटी से 5 गुना ज्यादा जी फोर्स को झेला, जो वाकई में काबिले तारीफ है। प्रशांत महासागर में गिरते ही कुछ देर के लिए स्पेस कैप्सूल के पास कोई नहीं गया। अंदाजा था कि हो सकता है कि स्पेसक्राफ्ट से जहरीली फ्यूम्स न निकल रही हों। तकरीबन आधे घंटे के बाद 40 लोगों की एक रिकवरी टीम स्पेस कैप्सूल के पास जाती है और उसे एक शिप में रख लिया जाता है। उस रिकवरी टीम में वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज आदि शामिल थे, ताकि किसी भी अनहोनी से जल्द निपटा जा सके। पूरी रिकवरी टीम को पहले से ही 2 हफ्तों से क्वारंटीन में रखा गया था, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को इस महामारी से भी बचाया जा सके। स्पेस कैप्सूल के हैच को खोलने में थोड़ी देर लगाई गई, क्योंकि रिकवरी टीम के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। वो पूरी तरह से कंफर्म कर लेना चाहते थे कि कहीं अभी भी स्पेस कैप्सूल में जहरीली फ्यूम्स तो नहीं है। टॉक्सिक रॉकेट फ्यूम्स के टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही हैच को खोला गया और एस्ट्रोनॉट्स को सीधा मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया गया। ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा। एलन मस्क स्पेसएक्स के हेडक्वार्टर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करने के लिए ह्यूस्टन पहुंचे, और वहां पर उन्होंने कहा, मैं ज्यादा धार्मिक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने इस मिशन के लिए दुआ की थी। Thank God. You know, and I'm not very religious, but I prayed for this one. तो उनकी इस बात से भी साफ होता है कि ये मिशन स्पेस एक्स और नासा के लिए कितना अहम था। अब नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को जब चाहे तब अमेरिका की ही धरती से स्पेस में भेज सकता है। स्पेसएक्स की ये सफलता एक बड़ी छलांग है, क्योंकि ये इतिहास का पहला मिशन है जिसमें एक कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट का सफल उपयोग किया गया है। नासा एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रैंडिनस्टीन ने कहा कि उन्हें खुशी होगी अगर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाने की बजाय टूरिस्ट को भी कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन तक लेकर जाए। और कहने की बात नहीं है, सन 2021 में स्पेसएक्स 3 कस्टमर्स को स्पेस स्टेशन लेकर भी जा रहा है। ये एक नई उभरती इंडस्ट्री की ओर पहला कदम है जो स्पेस टूरिज्म के नाम से फेमस होने वाली है। खैर, नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सलामत घर वापसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दोस्तों आप क्या सोचते हैं स्पेस टूरिज्म के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।